हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और भले चंगे होंगे। तो देखिए, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और अब नवंबर का महीना ख़त्म हो गया है, दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। तो अब सर्दियाँ तो काफ़ी शुरू हो गई हैं, तो अब हम लोगों को ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि हमारे शरीर में गर्माहट दे। तो चलिए, आज मैं ऐसी ही आपको एक रेसिपी बताने जा रही हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक, आपको वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो भेजूँ तो आप लोग उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, हस्बैंड जी लहसुन लेकर के आए थे और ये बहुत ही अच्छा लहसुन है, मतलब मजबूत है, एक बड़ी गांठ वाला लहसुन है। तो मैं इनको अच्छी इनका आज हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो जी हाँ, जाड़ों में सब्ज़ी लहसुन का बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है। तो इनको मैं पहले 5-7 गांठ इतने का सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चा है मेरा, तो बच्चा भी खाता है। तो इनको सबसे पहले हम धो लेंगे और अच्छी तरीके से इनका छिलका उतार लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, इनकी जो जटा सी निकलती हैं ये खोपड़ी में, उनको भी हम अच्छी तरीके से चाकू से साफ़ कर लेंगे। तो उसके बाद फिर जो कभी कभी होता है कि जो ख़राब छिलका होता है, ख़राब छिलका या ख़राब लहसुन होता है लहसुन के बीच में, तो उसको हम हटा करके साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से। लहसुन अपना चेक कर लेंगे कि कोई लहसुन में कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो लहसुन मेरा अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऑयल डाल करके चढ़ा देंगे और उसको अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। लहसुन में आप थोड़ा काटा वाली चम्मच या किसी नुकीली चीज़ या सुई से आप छेद कर दीजिए, क्योंकि जब हम लहसुन को ऑयल में पकाते हैं तो या तलते हैं, फ्राई करते हैं, तो ये बहुत फूटता है। तो देखिए, मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और ऑयल चढ़ा दिया है और लहसुन को बिल्कुल धीमी आंच में ही फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने हरा मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक छील के रख लिया है। उसकी अदरक, प्याज, लहसुन, हरे मिर्च की हम ग्रेवी बना लेंगे और उसके बाद टमाटर भी अच्छी तरीके से ग्रेवी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में लहसुन तलने के बाद जो फालतू का तेल था वो हटा दिए हूँ और उसके बाद खड़े मसाले में तेज पत्ता डाली और उसके बाद जो हमने टमाटर, हरा लहसुन, हरा मिर्च, प्याज का ग्रेवी बनाए थे वो डाल दी। उसके बाद लहसुन देखिए हमारा कितना अच्छा फ्राई हुआ है, 1-2 पोथी तो इसके पापा ही खा लेंगे, मेरे बच्चों के पापा। और उसके बाद देखिए, जो हमारा नॉर्मल डेली यूज़ का मसाला होता है उसको मैंने पानी में भिगो दी हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला। उसके बाद जब हमारा प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो गया तो मैंने इस पर मसाला जो था हमारा वो डाल दी हूँ और जो टमाटर की प्योरी थी वो भी डाल दी हूँ। थोड़ा सा हम बर्तन जो हमारा जग होता है उसको डाल देंगे, इससे हमारा वेस्टेज नहीं होगा। तो मसाले को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि वो तेल छोड़ दे, ऑयल छोड़ दे। तो सब्ज़ी जब बनाते हैं तो मसाले की अगर हम अच्छी तरीके से भुनाई कर देते हैं तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सौंधी बनती है। और सब्ज़ी खुद ही जब मसाला भुन जाता है तो मसाला खुद ही सौंधा सौंधा हो जाता है और अपना ऑयल छोड़ देता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास कसूरी मेथी है तो मैं इस कसूरी मेथी को थोड़ा क्रश करके डाल दूँगी, तो इससे सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आवश्यकता अनुसार पानी डाल दूँगी ग्रेवी के हिसाब से।
तो देखिए हमारा जो ग्रेवी वाला पानी है वो खौलने लगा है। अब हम यहीं पर लहसुन डाल देंगे और उसको आप धीमी आंच में पकने देंगे। आप चाहे तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, या आप आलू लहसुन का भी बना सकते हैं, या आप मटर लहसुन का भी बना सकते हैं। अब सब्जी हमारी पक गई है तो मैं यहाँ पर सब्जी में हरा धनिया डाल दूंगी, और हस्बैंड जी को भूख लगी है तो उनके लिए मैं रोटियाँ वगैरह बनाऊंगी और उनको खाना दूंगी। नहीं लगेगी, मतलब थोड़ा शरीर में गर्माहट बनी रहेगी।